गाइज वेलकम बैक टू माई वीडियो अगेन। स्वागत है फिर से आपका मेरी नई वीडियो में। और आपके सामने BTC का चार्ट है। BTC में आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, आगे क्या फॉर्मेशन हो सकती है, क्या चार्ट पैटर्न मेरे को दिख रहा है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंट है, एवरीथिंग बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ गाइज हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिलेगा। तो जाइए वहाँ पर जाके ज्वाइन होइए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको मार्केट की अपडेट मिलती है, लेटेस्ट अपडेट मिलती है अबाउट इथेरियम, BTC एज वेल एज ऑल्ट कॉइन के बारे में भी वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलेंगी। तो गाइज जाइए वहाँ पर ज्वाइन करिए, उसका जो लिंक है वो सीधा आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, अब सीधा चलते हैं हम चार्ट की तरफ। चार्ट आपके सामने है। यहाँ पर देखिए मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था, एक अपडेट डाली थी मैंने टेलीग्राम पर जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन आप सभी जानते होंगे क्या है। असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में आपको नहीं पता तो डेफिनेटली मैं आपको इस वीडियो में बता दूँ, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि आप भी जान जाएँ कि असेंडिंग ट्रायंगल आखिरकार है क्या, ताकि आगे अगर आप चार्ट खुद भी एनालिसिस करें तो आपको पता चल जाए कि भाई इस पैटर्न का मतलब ये होता है और यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं हमें ये एक्शन दिखाती है। देखिए सबसे पहली बात, ये जो पैटर्न होता है वो कुछ इस प्रकार में होता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये एक ट्रायंगल है, ये असेंडिंग ट्रायंगल है। यहाँ पर क्या होता है, प्राइस बार बार आता है, स्ट्राइक करता है रेजिस्टेंट को सपोर्ट को और फिर रेजिस्टेंट को, और फिर क्या होता है, मार्केट ज़्यादातर इस पैटर्न में ब्रेकआउट करती है और इसके बीच का जो टारगेट है, ये जो पैटर्न है ज़्यादातर अबाउट 60% और 70% ही ब्रेकआउट करता है। क्यों? क्योंकि ये बुलिश पैटर्न है। दो टाइप के पैटर्न होते हैं मार्केट में, एक बुलिश होता है और एक बियरिश होता है। ठीक है, जो बियरिश पैटर्न फॉर्मेशन होती है वो हमेशा बॉटम पे होती है। ठीक है, हालांकि कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो कि आपको चार्ट पे बीच में भी मिल जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर बुलिश है वो आपको ज़्यादातर बॉटम पे मिलेंगे। ठीक है, यानी क्या होता है कि जब वो फॉर्मेशन होती है उस चार्ट पैटर्न की, तो जो मार्केट है उसका जो प्राइस एक्शन है अब ऊपर को जाने वाला है। वो पैटर्न फॉर्मेशन होगी, बुलिश है। ठीक है, पैटर्न बुलिश है तो डेफिनेटली ऊपर को प्राइस वहाँ से शूट अप करता है। ऐसी साथ में एक होता है बियरिश, यानी कि एक पैटर्न फॉर्मेशन हुई। ठीक है, पैटर्न फॉर्मेशन होने के बाद उसमें प्राइस अंदर घूमा। ठीक है, पैटर्न में कोई भी पैटर्न हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये हालांकि बुलिश है और यहाँ पर अगर आप चार्ट पर देखें तो कहीं ना कहीं ये ब्रेक डाउन हुआ है, तो ये भी पॉसिबिलिटी मार्केट में हो जाती है। तो बियरिश पैटर्न बनेगा तो बियरिश ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, बुलिश बनेगा तो बुलिश ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपका असेंडिंग ट्रायंगल बना, लेकिन मार्केट में क्या हुआ, पहली बात तो ये था कि ये रेजिस्टेंट पे बना। ठीक है, पहली बात तो ये था कि ये रेजिस्टेंट पे बना। दूसरी बात ये है कि ब्रेक डाउन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बुलिश पैटर्न ब्रेक डाउन भी होता है तो वो भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म होता है और उसमें भी हमारी ट्रेड बनती है। तो अगर इस पैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बनी हुई थी, उसने ब्रेक डाउन करा, फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइस आया, फिर अप गया, फिर यहाँ पे प्राइस स्ट्राइक कर रहा है दोबारा से। ठीक है, यानी कि क्या है कि कहीं ना कहीं जो प्राइस है इस पैटर्न के हिसाब से, मैं आपको बताऊँ तो हमेशा जो पैटर्न है, पैटर्न को हमेशा आप रिस्क और रिवॉर्ड के साथ खेलिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपने यहाँ पर एंट्री ली, इस पॉइंट पे एंट्री ली, तो अपना TP1 यहाँ पे रखिए। ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि इसका हमेशा TP अचीव होगा, तो हमेशा रिस्क एंड रिवॉर्ड अपना हमेशा लगाइए। तो यहाँ से अगर मैं 7% लगाता हूँ तो अराउंड ये पैटर्न की जो फॉर्मेशन है अराउंड आपकी 55,000 पर प्राइस कहीं ना कहीं लाती है। लेकिन अभी प्राइस आया था अराउंड आपके 56,500 पर, नीचे तक 55 तक नहीं आ पाया था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ मार्केट में, देखिए यहाँ पर ये एक सपोर्ट के तौर पे अच्छा सपोर्ट बना, यहाँ पर एक सपोर्ट बनना है हमारा। क्यों सपोर्ट, मैं आपको बताता हूँ, मैं सिंपली आपको सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमारा सपोर्ट क्यों बना, यहाँ पर मैं EMA लाता हूँ, तो EMA में हमारा 20 का EMA भी आपको यही मिलेगा इस पॉइंट पर, देख पाएंगे आप इस पॉइंट पर ही हमारा 20 का EMA है। और डे के चार्ट में जो 20 का EMA होता है उसको हमेशा याद रखना BTC में, कि वो काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे काम करता है। मैंने कई बार देखा है और मेरे को तो इतना विश्वास है इस 20 के EMA पे
कि मैं डे का चार्ट लगाता हूँ, सबसे पहले 20 का ईएमए देखता हूँ कि 20 का ईएमए कहाँ है, क्योंकि वो बहुत अच्छा सपोर्ट के तौर पे काम करता है मार्केट में। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही हुआ कि ये बहुत अच्छा प्राइस नीचे गिरा, लेकिन हमारा सपोर्ट आ गया इस लेवल पर जहाँ पर हमारा 20 का ईएमए था। ठीक है, जहाँ पर हमारा 20 का ईएमए था वहाँ पर प्राइस दोबारा से कहीं ना कहीं यहाँ पर स्ट्राइक करा, और यहाँ पर जो अब फॉर्मेशन हो रही है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अगर मैं आपको 2 घंटे के चार्ट में भी दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे एक पैटर्न फॉर्मेशन मिल रही है। दिस इज कॉल्ड, ये जो पैटर्न फॉर्मेशन आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड डबल बॉटम। ठीक है, इसकी जो नेक लाइन है, नेक लाइन अराउंड आपके 58,200 के करीब पर है, 58,255 पर है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली हमें प्राइस इस पैटर्न को हम प्ले आउट होता हुआ देख सकते हैं मार्केट में, और हमें प्राइस अराउंड 3.18 का जो हमारा डिफरेंस है उसका हम ऊपर रख लेते हैं 1.8, अराउंड हमारा प्राइस हमें $60,000 पर हमें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या होगा, 58,255 का लेवल जो है उसको ब्रेकआउट करे, और साथ ही साथ ये एक रेजिस्टेंट के तौर पर काम क्यों करेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं ईएमए लगाता हूँ, देखिए एक एक इंडिकेटर है, ठीक है, जिसको मैं मेनली यूज़ करता हूँ। आप इंडिकेटर की जितनी भी ईएमए की लाइन देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंट के तौर पे काम करेंगी। तो गाइस अगर ये लाइन टूट जाती है ऊपर की साइड और प्राइस यहाँ से हमारा ऊपर शूट अप होता है तो डेफिनेटली ये एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, और हमारा जो टारगेट होगा वो अराउंड 60,000 तक हमारा इसमें टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, और आपको रेजिस्टेंट प्लस सपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ से सपोर्ट टूटता है 56,500 से नीचे प्राइस टूटता है, दोबारा से सुनिए, 56,500 से प्राइस नीचे टूटता है तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा मार्केट में वो अराउंड 54,600 पर होगा। ठीक है, जो कि लगभग आपका $2,000 का डिफरेंस बैठ जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंट हमारे सर पे ये है, सपोर्ट ये है। सपोर्ट टूटता है तो शॉर्ट की ट्रेड, और आपका अगर रेजिस्टेंट टूटता है तो लॉन्ग की ट्रेड। ठीक है, तो गाइस ये थी मेरी वीडियो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।